ताकि नया दर्शक भी बने रंगमंच का, वो हिंदी रंगमंच का, मराठी रंगमंच का, गुजराती रंगमंच का, भारतीय रंगमंच का, बेसिकली नए दर्शक से भी जुड़ाव हो इस भारत रंग महोत्सव के बहाने। और जैसा बस थैंक यू, इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। मैं पूरा फेस्टिवल के बारे में आपको पूरा विवरण दूंगा, उससे पहले बॉम्बे में हम लोग इस बार ओपन कर रहे हैं। नॉर्मली भारत रंग महोत्सव दिल्ली में हम लोग ओपन भी करते थे, कंट्रोल भी करते थे, इस बार बॉम्बे में ओपन कर रहे हैं। तो बॉम्बे में NCPM में हम लोग फर्स्ट को ओपनिंग सेरेमनी रखी है और दो अलग अलग महान सांस्कृतिक केंद्र जहाँ पर नाटक मंचित होता है, जैसे दादर में छत्रपति शिवाजी रंग मंदिर सावंत जी की कृपा से हमें निःशुल्क मिला है। यहाँ पर सबब में सबसे अभी बहुत ही बसलिंग सेंटर यही है मुक्ति फाउंडेशन का, स्मिता जी के उनकी कृपा से हमें ये जगह भी मिली है। तो कोलैबोरेशन है स्मिता जी के साथ और सावंत जी के साथ। तो हम लोग दो दिन, तीन दिन टाउन में करते हैं, तीन दिन करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट टू थर्ड हम टाउन में करेंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पर करेंगे मुक्ति फाउंडेशन में, कल्चर हब जो ये है यहाँ पर करेंगे। सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें दर्शक के तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो मैं आग्रह करूँगा स्मिता जी से वो दो शब्द हमें कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार और माननीय त्रिपाठी जी, आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी और सावंत जी, बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम आपके साथ यहाँ मंच पर बैठे हैं। और रंगमंच से हमारा बचपन से ताल्लुक था और मुझे बहुत ही रुचि थी, ये अलग बात है कि हमको मौका नहीं मिला। तो खैर, ये रंगमंच को हमने बहुत दिलो जान से अपनी खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए इसको मेहनत लगा के इसको तैयार किया है और आप जैसे लोग यहाँ पधारते हैं तो हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। पंकज जी के बारे में हम बहुत बचपन से जानते हैं और मैं ये इतना ज़रूर जानती हूँ कि रंगमंच से जो भी जुड़ा हुआ कलाकार होता है वो कहीं भी सर्वाइव करता है, कहीं भी मिस फिल्मों में तो वो छा ही जाता है क्योंकि जो बारीकियाँ वो पर्दे पे लेके आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है, वो शायद ही कोई आम एक्टर नहीं लेके आ सकता। क्योंकि जितने भी किरदार हमने इनके देखे हैं हम तो पूरी तरह खो जाते हैं। सच कहती हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। और परेश जी को यही कहना चाहूँगी कि शायद परेश जी को याद भी होगा कि हम ये जब ऑडिटोरियम की शुरुआत कर रहे थे तभी हमने आपसे सलाह ली थी और आपने हमको काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। और हमारे साथ तो आप फिल्मों में भी जुड़े हुए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इस ऑडिटोरियम को आपने चुना है, हम तो यही कहेंगे कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा, जो भी हम कर सके रंगमंच के लिए हम ज़रूर करना चाहेंगे। आज NSD के थ्रू जो भी रंगमंच के लिए करा जा सकता है इंडिया में या इंटरनेशनली आप कोलैबोरेट करके, पर मुझे लगता है इसको और बढ़ावा देना चाहिए या और बढ़ना चाहिए, लोगों को और जुड़ना चाहिए क्योंकि रंगमंच एक ऐसा मंच है जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनली जिस तरह रंगमंच को माने इतनी अहमियत मिलती है उतनी हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो हम जो भी हमारी तरफ से अगर कुछ कर सकते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाने की एक सीढ़ी या एक पायदान पे अगर हम आपका साथ दे सकते हैं तो हम ज़रूर देना चाहेंगे। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप हर साल हमारे यहाँ आइएगा और जो भी योगदान हमारी तरफ से हम कर पाएंगे हम ज़रूर करना चाहेंगे। आपको 25 साल की बहुत बहुत बधाई हो। और हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि मुक्ति फाउंडेशन, वो भी मैंने 25 साल पहले फोन किया था तो उसको भी आज 25 साल हो चुके हैं हम इस साल में, तो हम एक दूसरे को बधाई देना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया है और
इस एनएसडी के फेस्टिवल को मैं दिलों से दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इस भारत रंग महोत्सव का हिस्सा बने, क्योंकि इसके बारे में हमारे दोस्त वामन केंद्रे जी वहाँ पर थे पहले 10 साल, और इसी साल छत्रपति शिवाजी मंदिर ने एक एकेडमी ऑफ ड्रामा शुरू किया, और हम लोग वामन केंद्र जी सबको इसमें शिक्षा देते हैं। शायद आपके नेशनल स्कूल में ड्रामा में जो होता है इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी 80 साल की ये संस्था है। और एक दिन मेरे पिताजी और पीबी सावंत जो जस्टिस थे, इन्होंने वो हमारे डायरेक्टर ही थे इसके, तो उन्होंने सोचा कि हमको कला क्षेत्र में आगे जाना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट्स है लेकिन नाट्य क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ उस समय में था। हालांकि हम सोचते हैं कि नाट्य क्षेत्र की शुरुआत ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली ने किया था तमिलनाडु में, तंजावर में। आई थिंक ये वॉज द फर्स्ट, मैं नाम भूल गया, शायद उनको पता होगा, फर्स्ट वॉज द फर्स्ट टू राइट ऑन दिस, एंड ऑल्सो ऑन दे ऑल्सो क्रिएटेड द सांबार इन तमिलनाडु, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, बट शिवाजी महाराज हैड अ किंगडम इन तमिलनाडु। जी जी, दैट इज वेयर दिस कल्चरल एस्पेक्ट हैज ग्रोन फिनोमिनली, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू रिवाइव आवर कनेक्शन। तो इस थिएटर को तकरीबन मेरे में 65 में शुरू हुआ मतलब शिवाजी मंदिर, और उस जमाने में मैं तो छोटा था, हर दिन 3 शो होते थे, मतलब आई डोंट थिंक दैट एनीवेयर इन द वर्ल्ड 3 शोज वर कंडक्टेड, बट शिवाजी मंदिर हैज डन एंड रिवाइव द थिएटर इन महाराष्ट्र एंड द कल्चर ऑफ थिएटर, एंड वी हैव प्रोग्रेस्ड अ ग्रेट डील नाउ, एंड now also one of Chhatrapati Shivaji Mandir is the one of the biggest theater in the entire state at least I know, and we are now moving on to many new things, that is we have started giving dates to free dates to newly emerging theater. And one other thing, Pankaji, what you have done is you have inspired people into a lot of things, into new things, experimentation, and we want that every week we are giving free theater to these people who are newly emerging. Also, we are trying to create new actors, directors, all these things we are taken up, and that is why this is a great honor to us that to be a part of Bharat Ranga Mahotsav. I mean, this is the 25th year, and you really revived the theatre in many parts of the country. It required to go more, and we are trying to actually involve more people, more youth in theatre, and that way we are encouraging them, giving them concession, inviting them to play, and being part of Bharat Ranga Mahotsav is one honor and unique honor that we will be part of your big canvas, and we will be always with you and contribute in any manner that we can under your guidance. We will continue this and hope that this thing continues every year, because it was only in Delhi that we used to hear. Now we have opportunity to see with our own eyes what's going to happen, and we'll be very active in participating with you. Thank you. जैसे महोदय से निवेदन है कि आप भारत रंग महोत्सव के बारे में विस्तृत रूप से
जो इस बार का शोकेस है उसके बारे में प्रेस को बताएंगे। सर, भारत रत्न महोत्सव के बारे में जो इस बार 25वां साल हमारा है उसके बारे में सर आप विस्तृत जानकारी प्रेस को देंगे। ये 25वां भारत रत्न महोत्सव, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार हम बॉम्बे से शुरू करेंगे। बॉम्बे में फर्स्ट को NCPA में इसकी शुरुआत होगी। ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र विल बी आवर चीफ गेस्ट और हमारे अध्यक्ष ऑनरेबल चेयरमैन परेश रावल जी विल चेयर द ओकेजन। और वहाँ पर हमारे रंगदूत पंकज त्रिपाठी जी मौजूद रहेंगे और साथ में हमारे स्पेशल गेस्ट रघुवीर यादव जी, नोटेड एक्टर एंड वन ऑफ आवर अलुमनाई, वो भी रहेंगे। और उसके बाद जो नाटक होना था, ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, एक नाटक होना था हमारे राम, वो सडनली कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, उन्होंने अपनी बात को क्यों नहीं रख पाए मुझे नहीं पता, बट आज सुबह उन्होंने अपनी इनएबिलिटी बताई कि वो नहीं कर पाएंगे। बट हमें तो ये थिएटर में सिखाया जाता है, शो मस्ट गो ऑन। सो दिस इज ऑल्सो अनदर ब्लेसिंग इन डिसगाइज दैट वी आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ भारत रत्न महोत्सव एंड वी विल बी शोकेसिंग NSD रेपेट्री कंपनीज प्ले, वेरी पॉपुलर प्ले ताजमहल का टेंडर, विच इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग इट्स 25 ईयर्स। 25 साल, जैसे स्मिता जी ने अभी कहा, उनके सेंटर और हमारे बीच में एक रिलेशन है 25 साल का, वैसे ये शायद प्रभु की इच्छा थी। तो हम लोग जब परसों आप आएँ नाटक देखने,